स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव आपका बन चुका है और लेकिन आजकल बहुत ज्यादा ठंड हो रही है बहुत ठंड लग रही है तो आपको बच के रहना है ठंड से बचना है ताकि आप बीमार ना पड़े और छुट्टियों में भी अपना पढ़ाई का, का काम करते रहें तो बच्चों हम लोग आज पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत स्टार्ट करेंगे इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे और पहले हम लोग कंजेक्शन को पढ़ चुके हैं यह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है यानी कि आठवां है यानी कि एक इंटरजेक्शन कभी कभी हम अचानक वो शब्द शुरू करते हैं कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जैसे कि अभी हमने बोला क्या हार्ट बहुत ठंड है कभी कोई नहीं रहता तो कहते ओह ही इज डेट तो इस तरीके के जो हम शब्द बोलते हैं So यानी कि बहुत सुंदर लग रही हो बहुत अच्छी लग रही हो स्मार्ट लग रही हो तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ऐसे जो अचानक हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर देते हैं जिनको बारे में सोचता नहीं सोचते नहीं है कुछ नहीं करते हैं अचानक हमारे अंदर से आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन क्या बोलेंगे इंटरजेक्शन तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफिनेशन बच्चों यहाँ पर देखिए आप इंटरजेक्शन विस्मय सूचक अवय इसकी क्या डिफिनेशन होगी एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है

फीलिंग्स आते हैं इमोशंस आते हैं सच एज जॉय सारो एक्साइटमेंट शॉक अप्रूवल और एंगर यानी ये जो वर्ड होते हैं जब हम इनके अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हैं उनको जब हम यूज करते हैं तो वो है कहलाते हैं इंटरजेक्शन क्या कहलाएंगे जी हाँ इंटरजेक्शन यहाँ पर हम उदाहरण देख, देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच यानी हमने खुशी जाहिर करी कि हम मैच को जीत गए तो यहाँ पर ये वर्ड आया हु फिर अगला देखिए ओ वट अ ब्यूटिफुल रोज हमने प्रयोग किया ओ व्हाट अ ब्यूटिफुल रोज तो यहां पर ओ क्या हो गया ये इंटरजेक्शन का वर्ड है एलास ही इज डेट यानी यहां पर जो ये एलास वर्ड है ये वर्ड है, यह यह है यहां पर ये यह इंटरजेक्शन है यहां पर ये वर्ड इंटरजेक्शन और आप सबसे बड़ी बात देख रहे होंगे कि इंटरजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो आता है वो आता है तो इस तरीके से ये जो वर्ड होते हैं अब ये केवल यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए यही वर्ड नहीं होते बहुत सारे और भी वर्ड हैं जो अलग अलग किसके अंतर्गत आते हैं जैसे जॉय के अंतर्गत आते हैं या सारो के अंतर्गत आते हैं या एक्साइटमेंट के अंतर्गत आते हैं तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि ये वो कौन से वर्ड है जो ऐसे वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत वो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड होंगे वही हमारे टाइप्स होंगे तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं कि इंटरजेक्शन में कितने टाइप के इंटरजेक्शन हो सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन यानी इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग को शो करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग जब हम किसी के मिलने पर करते हैं हाय हेलो तो ये सारे वर्ड जो है वो ग्रीटिंग यानी मिलने पर हम यूज करते हैं यहाँ पर उसके बाद हम देख सकते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यानी खुशी की बात जब कोई खुशी की बात होती है तो हमारे अचानक से जो फीलिंग्स निकल आती हैं वो हर्ष में अंतर्गत आती हैं यानी कि जॉय तीसरा है अटेंशन ध्यान आकर्षित करने के लिए जो वर्डों को यूज करते हैं अचानक वो अटेंशन में आता है फिर उसके बाद है अप्रूवल यानी अनुमोदन या किसी की बात को हम कहते हैं हाँ ये ठीक है यानी वो सारे जो वर्ड आएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ वो कहलाएंगे हमारे अप्रूवल पांचवें देख लीजिए सरप्राइज यानी आश्चर्य हमने लगा दिया वट अ ब्यूटीफुल रोज यानी इस तरीके जो वर्ड आते हैं वो क्या होंगे आश्चर्य यानी कि सरप्राइज के अंतर्गत आएंगे फिर उसके बाद देखिए सारो दुख होने पर दुख होने पर जो अलास है इसे निकल जाता है मुंह से निकल जाता है ओह यानी इस तारी के जो वर्ड आते हैं वो सब सारो यानी दुख को शो करते हैं हमारे इंटरजेक्शन वर्ड फिर उसके बाद रिप्रूफ यानी धिकार यानी कि शेम किसी को हम कहते हैं है ऐसी इस बात पर तो ये सब हमारे रिप्रूफ के अंतर्गत आएंगे तो इस प्रकार से ये सेवन जो हमारे हैं वो टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन है आज हम लोग जो है हर्ष अटेंशन को डिस्कस करेंगे और उसके विद एग्जांपल के साथ और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग जब हमसे कोई अचानक मिलता है तो उसके मिलने पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो ग्रीटिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे दीज इंटरजेक्शन एक्सप्रेस द इमोशंस वर्ड टू मीट विद समवन यानी गर्म जोशी के साथ जब हम किसी से मिलते हैं तो ये वर्डों का यूज करते हैं जैसे हे हाय हेलो हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे कि तुम आज क्या कर रहे हो हे जब यहां पर जो हे वर्ड आया है ये क्या आई है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग यहां पर देखिए हाय हाउ आर यू यानी हमने किसी के मिलने पर पूछा कि तुम कैसे हो तो यहाँ पर हाई क्या है यहां पर इंटरजेक्शन वर्ड है कौन सा ग्रीटिंग का फिर देखिए हेलो आई एम योर न्यू क्लासमेट यानी कि मैं आपका न्यू क्लासमेट हूं किसी को संबोधन किया किसी के मिलने पर मैंने ये वर्ड को यूज किया और उसे कहा हे सॉरी हेलो आई एम योर न्यू क्लासमेट तो यानी कि हे हाई हेलो ये क्या है ये वर्ड है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग यानी किसी के मिलने पर हम इन वर्डो को यूज करते हैं तब तो हम अपना दूसरा इंटरजेक्शन का जो हमारा टाइप है उसको हम लोग देख लेते हैं अगला देखिए नंबर टू पर बच्चों हमारा है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यानी खुशी को व्यक्त करना मजा आना खुशी को व्यक्त करना वो हमारा हो गया इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यहां पर देखिए दीज इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस ये जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं वो ये शो करने के लिए यूज किए जाते हैं सडन प्लीजर और हैप्पीनेस यानी अचानक जो हमें खुशी प्राप्त होती है उसको हम व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं जैसे गुड वाव हुर्रा कंग्रेचुलेशन यहां पर देखिए सेंटेंसेस के माध्यम से हम मा और अच्छे से समझ लेते हैं गुड नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल यानी हम अब दूसरे अच्छे लेवल पर जा रहे हैं यानी गुड जो ये वर्ड आया है ये यहाँ पर क्या है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय अगला देखिए वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल यानी वाओ जो वर्ड है जो बता रहा है कि यू लुक सो ब्यूटीफुल यानी तो ये क्या है हमारा ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है अगला देखिए हुर्रा वी वोन द मैच यहाँ पर हम अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं कि हमने मैच को जीत लिया है तो हुर्रा वर्ड यूज हुआ है अगला देखिए हम किसी को जब बधाई देते हैं कांग्रेचुलेशन वी वोन द मैच यानी कि हमने बधाई हो हमने ये मैच जीत लिया है तो इस तरीके से जो ये वर्ड आते हैं ये सब हमारे हो जाते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यानी हमारे जो ये वर्ड हैं इंटरजेक्शन के ये खुशी को व्यक्त करते हैं जॉय को व्यक्त करते हैं तो ये हमारे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय के ये वर्ड हो गए बच्चों यहाँ पर आज हम लोगों ने दो ग्रीटिंग और जॉय ये दो टाइप भी पढ़ लिए हैं और इंटरजेक्शन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लिया है इसकी डिफिनीशन समझ लिया है इसको कैसे व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं ये सारी बातें हमने समझी इस अपनी वीडियो में तो हम अगली बार जिसके शेष बचे हुए हैं जो टाइप्स उनको हम लोग डिस्कस करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में भी आया होगा लेकिन वही बात है कि आप इसे रजिस्टर पर नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि सबसे पहले मैं इन दोनों से रिलेटेड छोटी सी आपको एक्सरसाइज दूंगी वो एक्सरसाइज भी आपको करना है तो आप इतना नोट करेंगे रजिस्टर पर उसके बाद वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझते चलेंगे आप और आपको कभी नहीं भूलेंगे आप तो चलिए मिलते अगले वीडियो में थैंक यू